नमस्कार डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के एक क्लर्क को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी पुलिस की ओर से दी गई है। फिलहाल जिले में सीबीआई के एक एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है और हर कोई इसे भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्यवाही बता रहा है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी नगर राहुल पांडे ने बताया कि सीबीआई की एक टीम हजरतगंज लखनऊ से इंस्पेक्टर आशीष कुमार सिंह के नेतृत्व में आई थी। राहुल पांडे ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की रॉबर्ट्सगंज शाखा के एक क्लर्क की ओर से लोन दिलाने के लिए ग्राहकों से रिश्वत की मांग की जा रही है।